नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं दिखा रहा हूँ गुड़ की रोटी। मुझे याद है बचपन में मम्मी बनाया करती थी, बड़ी मज़ेदार होती थी। तो चलिए देखते हैं बनती कैसे। सबसे पहले यहाँ पे आटा, ये आटा ले लेते हैं, ये ले लिया 2.5 कप आटा। थोड़ा सा आटा रख लेता हूँ ताकि जब आटा गूंदूंगा तो सूखा आटा चाहिए होगा। और गुड़ ले लेते हैं, ये ग्रेट किया हुआ गुड़ है, लगभग 1 कप ग्रेट किया हुआ गुड़। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मेरी मम्मी नहीं डालती थी, लेकिन मैं शेफ बन गया हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ इनोवेटिव चीज़ें और डालूँ। थोड़ा इलायची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और साथ ही साथ सिनेमन पाउडर, ये भी 1/4 छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर। इन सब चीज़ों को मिला के, अच्छा मम्मी, वैसे मैं क्या देखता था, मेरी मम्मी जो थी ना वो गुड़ को पहले पानी में डालती थी और फिर जब गुड़ सारा मेल्ट हो जाता था उसका आटा बनाती थी। लेकिन मैंने यहाँ सोचा कि सीधे ही आटा बना दो ताकि जब रोटी बनेगी ना कहीं कहीं कैरमलाइज होगा गुड़, बहुत मज़ा आएगा। तो ये आटा बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं एकदम बढ़िया। इसमें फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आ रहा है दालचीनी और इलायची का। जब आटा गूंद जाए बढ़िया तरीके से मल लीजिए और फिर इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा घी और इस आटे को ढक के लगभग 15 मिनट तक रखें ताकि जो गूंदा हुआ आटा है थक गया होगा, थोड़ा सा आराम कर ले। तो ये 15 मिनट तक ढक के रखेंगे और उसके बाद बनाएंगे पराठे, बढ़िया पराठे, रोटी जैसे भी बनाएं आप, लेकिन मैं बनाऊंगा पराठे 15 मिनट डो को रेस्ट करने के बाद। 15 मिनट के बाद यहाँ पे गैस पे मैंने तवा रख दिया गरम होने के लिए और साथ ही साथ आटा थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, हाथों पे भी मल लेते हैं। और ये बढ़िया पराठा जो है गुड़ का, मतलब रोटी कहें पराठा कहें, वो बना लेते हैं। अब इसमें थोड़ा घी लगा लेते हैं, ये लगा लिया घी, बढ़िया मज़ेदार घी। फोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा सूखा आटा, ये फोल्ड कर लिया, ये देखिए भाई क्या बात है, मज़ेदार। और इसको फिर से बेल लेते हैं। ये जो फोल्ड है ना, ये मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती थी, वही मुझे याद रह गया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बना के दिखाऊं। कि अब रोल कर लिया, बढ़िया पराठा, बिल्कुल पंजाबी साइज़ है एकदम, है ना, बड़ा सा जैसे पंजाबी लोग खाते। और इसे क्या करेंगे, तवे पे पका लेते हैं। ये पराठे को जो है पलट लेते हैं, क्या बात है। अच्छा, क्योंकि गुड़ डाला है तो कलर जो है ना वो बहुत जल्दी बढ़िया कलर आ जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। साथ ही साथ पराठा है तो घी तो डालना ही है, ये डल गया घी, ये बढ़िया सब तरफ से लगा लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया है, गुड़ की खुशबू आ रही है, साथ ही साथ खुशबू किसकी आ रही है, इलायची पाउडर डाला था, सिनेमन पाउडर डाला था, दालचीनी का पाउडर, उसकी खुशबू आ रही है। ये पराठा बिल्कुल पक गया है, दोनों तरफ से घी भी लगाया और बढ़िया कलर आ गया। अब इसे मैं इस प्लेट में सर्व कर लेता हूँ, क्या बात है, कलर देखिए एकदम बढ़िया, मिठास से भरा और खुशबू हल्की हल्की सिनेमन पाउडर और दालचीनी पाउडर की। इसी तरह से गुड़ का जो पराठा है वो आप बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं।